सो फाइनली गाइस, जहाँ दौर चल रहा है स्मार्टफोन के लॉन्चेस का, भाई हर कंपनी अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करते जा रही है। उसी की तरह सैमसंग की तरफ से आपको लगातार लॉन्चेस पे लॉन्चेस मिलते ही जा रहे हैं। जैसे अभी सैमसंग A52 एंड सैमसंग A51S 5G भी लॉन्च हुआ है, होने वाला है। पर इसके बाद अब खबर आ रही है सैमसंग M52 5G की तरफ से। तो क्या कुछ इसमें आपको देखने को मिल रहा है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात की जाए उसके प्रोसेसर एंड परफॉर्मेंस के मामले में, क्योंकि जो कि एक फ़ोन का मेन हिस्सा होता है। तो इसमें आपको प्रोसेसर जो कि देखने को मिलेगा वो होगा स्नैपड्रैगन का 778 5G प्रोसेसर, जो कि एक नया प्रोसेसर है जो कि सबसे पहले आया कि Z3 में आया था, जो कि बहुत ही अच्छा उसका परफॉर्मेंस रिजल्ट मिला। तो इसके CPU की बात की जाए तो इसमें आपको ऑक्टा कोर CPU देखने को मिलने वाला। आर्किटेक्चर की बात की जाए तो इसमें आपको 64 बिट का आर्किटेक्चर देखने को मिलने वाला है। ग्राफिक्स की बात की जाए तो ग्राफिक्स आपको एड्रेनो 642L की तरह अच्छा ग्राफिक्स देखने को मिलने वाला है। मतलब इसमें आपको गेमिंग के मामले में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। गेमिंग के इसमें लिए कोई चूक नहीं मिलेगी आपको, इसमें आपको एक अच्छी गेम प्ले देखने को मिलने वाला है। मतलब गेमिंग के मामले में कोई भी इसे पीछे नहीं कर सकता इस प्राइस रेट में। एंड इसके बाद बात की जाए इसके कैमरा सेटअप के मामले में, तो क्योंकि कैमरा में बात की जाए तो कैमरा में इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 12 मेगापिक्सल का वाइड एंगल एंड 5 मेगापिक्सल का अभी बताया रहा, हो सकता है डेप्थ लेंस, हो सकता है इसके जगह माइक्रो लेंस भी देना चाहिए इन्हें। तो इसके वीडियो रिकॉर्डिंग की बात की जाए तो वो 30 से 60 FPS 2K 4K होने वाली है। फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो वो होगा इसका फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। मतलब फ्रंट में भी इसमें आपको अच्छा कैमरा देखने को मिल रहा है। एंड डिस्प्ले की बात की जाए तो डिस्प्ले इसमें आपको मिलेगी 6.5 इंचेस के साथ, वो की होगी इसके 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले। मतलब डिस्प्ले के मामले में ये फ़ोन अच्छा है। मतलब इसमें आपको पिक्सल डेंसिटी की बात की जाए वो मिलेगी 405 PPI के तहत। एंड अब बात की जाए इसके एक्सपेक्ट प्राइस की बाद में, बट पहले बात की जाए इसके चार्जर के सेटअप के बारे में, तो इसमें आपको 25 वाट के साथ 7000mAh की बैटरी देखने को मिल रही है। बस इसमें छोटी सी यही कमी है कि 7000 जैसी बड़ी बैटरी के साथ इसमें सिर्फ आपको 25 वाट का चार्जर दिया जा रहा है, कोई बात नहीं, ये सब आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। एंड इसके बाद बात की जाए इसके एक्सपेक्टेड प्राइस एंड लॉन्च रेट के बारे में, तो इसके एक्सपेक्टेड प्राइस रहने वाले हैं जो कि इसका 628 वाला वेरियंट है, उसके एक्सपेक्टेड प्राइस रह रहे हैं 19000। एंड 8128 वाला वेरियंट है उसके प्राइस रह सकते हैं 21999। अब ये रोमर्स हैं। एंड इसके बाद बात की जाए इसके लॉन्च डेट के बारे में, तो इसके लॉन्च डेट सामने आ गई है, वो होगी इसकी 9 सितंबर। सो इसलिए गाइज मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी प्रकार की वीडियो लाता हूं।